और इस वक्त की एक बड़ी खबर हमें गाजियाबाद से मिल रही है। चिल्ला बॉर्डर पर किसान आंदोलन तेज होने की संभावना है। यहाँ पर किसान जिद पर अड़ गए हैं और उन्हें पुलिस इस वक्त समझाने में जुटी है। किसान जिद पर अड़े बैठे हैं, पुलिस समझा रही है। नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। कड़ाके की ठंड है, किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। 11 बजे इस बीच टिकैत संगठन चिल्ला बॉर्डर बंद कर सकता है। आंदोलन में और तेजी आ सकती है। भारतीय किसान यूनियन यानी कि भानु के प्रदेश अध्यक्ष की भूख हड़ताल का भी आज चौथा दिन है। चिल्ला बॉर्डर को बंद करने के ऐलान के बाद यूपी पुलिस बातचीत करने पहुंची है। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसानों को समझाते हुए एडीसीपी रणविजय सिंह इस वक्त वहां पर देखे जा सकते हैं, वहां मौजूद है और किसानों से वो बातचीत कर रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारी जुटे हुए हैं और बॉर्डर बंद करने की तैयारी वहां पर चल रही है। बड़ी खबर, लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई चिल्ला बॉर्डर दिल्ली नोएडा जाने का जो रास्ता है वो बंद हो सकता है। किसानों ने इसे बंद करने का ऐलान कर दिया है। शक्ति सिंह के पास आपको सीधा लाइव लिए चलते हैं। शक्ति, पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है, किसानों से बातचीत कर रहा है, समझा रहा है, लेकिन किसान जिद पर अड़े हैं। आप क्या देख पा रहे हैं फिलहाल वहां पर? देखिए, किसान समझे नहीं, पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं, किसानों ने अपना ट्रैक्टर लगा दिया और किसानों ने इस रोड को जाम कर दिया है। 11 बजे का समय था, दिया था किसानों ने, और ये कहा था कि हम इस सड़क को जाम कर देंगे, और किसानों ने वह कर दिया है। वहीं पहले से ही पुलिस बल यहाँ मौजूद था, पुलिस ने काफ़ी समझाने की कोशिश की। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, ये रास्ता नोएडा से दिल्ली की तरफ से नोएडा आता है, जिसको पूरी तरह जाम कर दिया। ये रास्ता पहले भी बंद किया हुआ था, फिर उसके बाद जो भानु ग्रुप को समझाया गया और समझाने के बाद उसने रास्ता खोल दिया था। 3 से 4 दिन ये रास्ता सुचारू रूप से चलता रहा और उसके बाद आज अचानक किसान उग्र हुए और उग्र होने के बाद उन्होंने इस सड़क को फिर जाम कर दिया। वहीं जो राकेश टिकैत जो ग्रुप था उसने आज आह्वान किया था कि 11 बजे हम यहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद इस रोड को फिर दोबारा से जाम करेंगे। तो उसको देखते हुए जो पुराना ग्रुप था, जो भानु ग्रुप ने पहले ही इस रास्ते को जाम कर दिया। हालांकि अभी यहाँ राकेश टिकैत जो ग्रुप था वह यह नहीं पहुँचा, लेकिन जो पहले जो ग्रुप था यहाँ पर, जो लगातार यहाँ तंबुओं में बैठा था, लगातार यहाँ 21वां दिन यहाँ चल रहा था, ये लगातार यहाँ अपनी दिनों रात यहाँ पर गुजार रहे थे, उन्हीं लोगों ने यहाँ दोबारा से उग्र हुए और उग्र होने के बाद इस सड़क को बिल्कुल जाम कर दिया। जाम होने के बाद यहाँ काफ़ी लंबा जाम लग गया था, जिसके बाद पुलिस ने रोड को डाइवर्जन कराया और डाइवर्जन कराने के बाद यहाँ से वाहनों को निकाला, तो काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन वहीं जो किसान है, किसान अपनी मांग पर अड़ चुके हैं और किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। किसानों के हाथ में लाठी डंडे लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन्हीं किसानों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आपने एक बार फिर सड़क को जाम किया है, क्या सोच के जाम किया? जब प्रसाद दोहरी नीति सरकार कर रही है, उसी पुलिस प्रशासन से कहती है कि इनको जाने मत दो, और हम लोगों से कहती है कि कहीं नहीं रोका जा रहा है। हम लोग जिस तरह लखनऊ से आए हैं, तो ये किसान जो है वो फिलहाल अपनी स्थिति से हटने के लिए तैयार नहीं है, वहां पर बैठे हुए हैं और लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। शुक्रिया शक्ति, आप नजर बनाए रखिए।